हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है एवी कैट फैमिली में। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ, पर बहुत लोगों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन भरा टॉपिक भी है। क्या है कैट, क्या है कैम, क्या है CAE? बहुत लोगों ने सिर्फ सुना है इसके बारे में, पर उसके बारे में पता नहीं है कि क्या है। और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि कैट कैम CAE क्या है, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा ऐसा है कि डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं क्या है कैट, क्या है कैम, क्या है CAE और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कौन से फील्ड में ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है सबसे पहला कैट के बारे में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। उसमें ऑटो कैड आता है, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, कैटिया, ये सब किस में आते हैं, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर्स में करना ये है कि 2D 3D मॉडल्स को बनाते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो उन सब सॉफ्टवेयर्स को अपन करते हैं कैड में, ठीक है। तो अगला जो अपना है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। भाई डिज़ाइन तो कर दिया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है, वो जो कैटेगरी है वो है कैम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी। इसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इसको अपन जी कोड, एम कोड, बहुत सारे कोड्स होते हैं, इनको यूज़ कर अपन इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपन ने 3D मॉडल क्रिएट किया, उसके बाद एक मशीनरी इसमें इन कोड्स को देख डालने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से उसके बाद ये मैन्युफैक्चर हो कराता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग के बीच में एक सॉफ्टवेयर है, वो है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो है एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स। एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स में वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनमें मैंने एक 3D मॉडल क्रिएट किया, पर वो रियल लाइफ कंडीशंस में क्या क्या उनके कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बीच में एक जो कनेक्शन होता है वो है CAE का। तो रियल लाइफ कंडीशंस में कैसा एक मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसके जो रियल लाइफ कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना कितना भार, अपन एक अगर मैंने ब्रिक बनाया है उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, कैसे वो ऑपोजिट क्या क्या उसमें एनालिसिस करके पता चलता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स किस में आते हैं, एनालिसिस सॉफ्टवेयर में। इनमें जो सॉफ्टवेयर आता है वो एनसिस आता है, सॉलिड वर्क्स भी CAE में आता है। अब तीनों कैटेगरी आपको पता चल गई होगी। तीनों कैटेगरी के बाद एक चीज़ बहुत ही कन्फ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर, ढेर सारे सॉफ्टवेयर है, कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में सॉलिड वर्क्स है, ऑटो कैड है, कैम है, क्रियो है, कैटिया है और बहुत सारे हैं, एनएक्स कैम है, एनएक्स कैड है, हाइपर मेश है, तो सॉलिड एज है। तो एक लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर मैं पढ़ूँ। तो मेरे हिसाब से एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, जो मैंने कैटेगरी बताई है कैड, कैम और CAE, इसमें हमेशा एक काम करना चाहिए कि हर एक कैटेगरी में जो एक सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ें। जैसे कि कैड में आता है सॉलिड वर्क्स, कैम में आता है अपना एनएक्स कैम और CAE में आता है एनसिस। तो इन सब सॉफ्टवेयर्स को एक एक कर, एक एक कैटेगरी में एक एक अगर आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो आपके लिए स्कोप बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फील्ड आपके लिए बेटर है और तीनों फील्ड में एक एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ही मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेस्ट होगा कि जो भी कैटेगरी है उन कैटेगरीज में एक एक सॉफ्टवेयर हमेशा पढ़ के रखें। उसके अलावा एक जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा एक हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है जिसको विदेशी लोग, विदेशी मतलब इंडिया से बाहर कंपनीज बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है। तो वो से इन सब कैड, कैम, CAE के अलावा वो एक और सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जल्दी से जॉब पा सकेंगे और अच्छी सैलरी के साथ एक जॉब पा सकेंगे। तो उसके लिए अगली क्लासेस में, अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ कि आपका कैट कैम और सी ए ई के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।